गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक संख्या का निर्धारण, इसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें क्या होते हैं 13 आयन पेयर होते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ए ए डैश और बी बी डैश द्वारा डायफ्राम ए ए डैश और बी बी डैश द्वारा तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एनोड के पास वाले चैम्बर को एनोड चैम्बर, कैथोड के पास वाले चैम्बर को कैथोड चैम्बर और बीच वाले चैम्बर को मिडिल चैम्बर कहते हैं। एनोड चैम्बर में चार आयन पेयर, कैथोड चैम्बर में चार आयन पेयर और मिडिल चैम्बर में पांच आयन पेयर। ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से इनका इलेक्ट्रोलाइट का अरेंजमेंट करते हैं। इसकी तीन पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन जब केटायन मूव करे वह एनायन कांस्टेंट रहे। माना दो केटायन एनोड चैम्बर से होते हुए मिडिल चैम्बर में जाते हैं और चैम्बर में जाते हैं और एनायन चूंकि कांस्टेंट है इसलिए एनोड व कैथोड पर क्रमशः दो दो केटायन व एनायन का डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बाद हम देखते हैं कि एनोड चैम्बर में दो आयन पेयर की कंसेंट्रेशन में कमी हुई है और कैथोड चैम्बर में कोई आयन की कंसेंट्रेशन में कमी नहीं हुई है। फर्स्ट पोजीशन जब केटायन मूव करे और एनायन कांस्टेंट है, दो केटायन एनोड चैम्बर से कहाँ आए, कैथोड चैम्बर में आए क्योंकि एनायन हमारा कांस्टेंट है। कितने आयन का डिपोजिशन हुआ इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर हुआ दो केटायन का, एनोड पे हुआ दो एनायन का। इसके बाद पहले कितने थे एनोड चैम्बर में, चार आयन पेयर थे। इसके बाद कितने रह गए, दो आयन पेयर रह गए। यहाँ पहले भी चार थे आयन पेयर थे और इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन के बाद भी चार आयन पेयर रह गए। ये तो बात हो गई फर्स्ट पोजीशन की। पोजीशन सेकंड की जब बात करते हैं कि जब केटायन व एनायन सेम स्पीड से चले, माना दो केटायन और दो एनायन एनोड से कैथोड की ओर तथा कैथोड से एनोड की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर चार चार केटायन व एनायन का डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन के बाद दो आयन पेयर की कंसेंट्रेशन में कमी हो गई। पोजीशन सेकंड जब केटायन व एनायन दोनों सेम स्पीड से, यहाँ से दो केटायन आए कहाँ, कैथोड चैम्बर से। यहाँ से दो एनायन आए कहाँ, एनोड चैम्बर में। कितने आयन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हुआ, चार केटायन का कैथोड इलेक्ट्रोड पर और चार एनायन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हुआ। कितने आयन की कंसेंट्रेशन में कमी आई, पहले चार थे इसके बाद कितने रह गए, दो रह गए। पहले चार थे इसके बाद कितने रह गए, दो। यानी एनोड चैम्बर में दो आयन पेयर की कंसेंट्रेशन में कमी और कैथोड चैम्बर में भी दो आयन पेयर की कंसेंट्रेशन में कमी उत्पन्न हुई। थर्ड पोजीशन देखते हैं। थर्ड पोजीशन है जब केटायन व एनायन डिफरेंट स्पीड से मूव करें। माना दो केटायन एनोड से कैथोड की ओर तथा एक एनायन कैथोड से एनोड की ओर मूव करते हैं
तो तीन तीन केटायन व एनायन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो जाता है। एनोड चैम्बर में कंसंट्रेशन में कमी कितने आयन पेयर के बराबर होगी? दो आयन पेयर। और कैथोड चैम्बर में कंसंट्रेशन में एक आयन पेयर के बराबर होगी। दो केटायन गए कैथोड चैम्बर में, एक एनायन आया। एनोड चैम्बर में तीन केटायन इलेक्ट्रोड पर गए, दो तीन एनायन गए। कितने आयन की कंसंट्रेशन में कमी हुई? पहले चार थे, इसके बाद दो रह गए। दो आयन पेयर की, यहाँ पहले चार थे, इसके बाद तीन रह गए। एक आयन पेयर की कंसंट्रेशन में कमी हो। तो बच्चों, अगर हम एक पोजीशन में ये देख लें कि हमें तीन चीज़ें नोट करनी है इसमें, कि कितने आयन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं और उनकी स्पीड डिफरेंट है या सेम है। जैसे फर्स्ट पोजीशन में कि जब केटायन मूव करे और एनायन कांस्टेंट रहे। सेकंड में है कि जब एनायन और केटायन सेम स्पीड से मूव करें। और थर्ड पोजीशन है कि जब दोनों मूव करें लेकिन उनकी स्पीड क्या हो? डिफरेंट हो। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कहाँ से कितने आयन कहाँ गए। सेकंड है कि हमें कितने आयन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हुआ। और थर्ड है कि कितने आयन की कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन के बाद कमी हुई। अगर एक पोजीशन में हम ये तीनों बातें ध्यान कर याद रख लेते हैं तो हमें सेकंड और थर्ड पोजीशन आराम से हम याद कर सकते हैं। केवल हमें उनकी कंडीशन ही पता होनी चाहिए कि कितने आयन कहाँ गए, तो हम इन तीनों पोजीशन को आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों, कल की प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करी थी हिट ऑफ नंबर या अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमने स्टडी की कि ट्रांसपोर्ट नंबर का थ्योरेटिकल हम उसे किस तरह से निर्धारण कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन में हम लोग ये कंक्लूज़न निकालते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं कि जो ये मिडिल चैम्बर है, मिडिल चैम्बर फर्स्ट देखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन, कि मिडिल चैम्बर की आयन की कंसंट्रेशन में स्टार्ट से लेके अंत तक आयन पेयर की कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं आई। पहले भी पाँच थे और आखिरी में भी पाँच है, यानी मिडिल चैम्बर की कंसंट्रेशन स्थिर रहती। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं कि कोई आयन, कितने भी आयन डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन में देखा कि कैटा एन आयन कांस्टेंट है, कैटायन ही मूव कर रहा है। सेकंड में हमने देखा मूव तो दोनों कर रहे हैं लेकिन उनकी क्या है? स्पीड सेम है। थर्ड पोजीशन में हमने देखा दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कोई आयन कितनी भी स्पीड से मूव करे लेकिन उनका इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन सेम होगा। आप देख रहे हैं यहाँ दो केटायन अगर इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन में दो ही एनायन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो रहा है। सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ चार केटायन गए तो यहाँ पर भी चार केटायन ही जाएंगे। थर्ड की बात करें तो थर्ड में तीन पॉजिटिव आयन गए कैथोड चैम वो इलेक्ट्रोड पर और यहाँ पे भी तीन है। तो आप लोगों को ये इससे बहुत आसानी होगी कि हम कितने आयन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन करें। तो अगर हमने यहाँ दो निकलेंगे तो यहाँ पे भी दो ही निकलेंगे, और अगर यहाँ पे चार निकलेंगे तो वहाँ पे भी चार एनायन ही निकलेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ एक निकाला तो ये आयन पेयर गड़बड़ हो जाएंगे, दो कैटायन बचेंगे एक, एक एनायन बचेगा। इसलिए बच्चों ये भी आपको आसानी होगी। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये कैसे पता पड़ेगा कि कितने आयन का इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन होगा। तो हम इससे तो आराम से समझ जाते हैं, अगर दो केटायन इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो रहा है तो यहाँ से भी दो केटायन जाएंगे, अगर
चार का हो रहा है डिपोजिशन इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ से भी चार जाएंगे। तो इस तरह से हमको ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आयन कितनी भी स्पीड से मूव करें, लेकिन जो उनकी इलेक्ट्रोड पर पहुँचने की स्पीड होती है, डिपोजिशन की स्पीड होती है, वो सेम ही होती है। थैंक यू।